जैसा कि हम सबने एक्सपेक्ट किया था, KGF चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर वैसा ही परफॉर्म किया है। KGF नाम की सुनामी ने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। KGF चैप्टर 2 में हमें फुल स्केल परफॉर्मेंस, एक्शन और ड्रामा देखने को मिला है, जिस पर अगर बात की जाए तो शायद हमें वीडियो को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आज हम आपके लिए KGF चैप्टर 2 का एक फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है, इसलिए अगर आपने KGF चैप्टर 2 अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को प्लीज यहीं पर स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम को गवाए हम अपनी KGF चैप्टर 2 की कहानी को शुरू करते हैं। KGF चैप्टर 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां चैप्टर 1 को खत्म किया गया था। रॉकी ने गरुड़ा को मार दिया है, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि जिस दिन रॉकी गरुड़ा को मारने गया था उसने उसके छोटे भाई विराट को भी मार दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो गरुड़ा को मारता है तो KGF की कमान उसके बाद विराट को दी जाएगी। और रॉकी का प्लान तो शुरू से ही KGF को हासिल करने का था, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। जिसका पता हमें तब चलता है जब सूर्यवर्धन के सारे पार्टनर्स KGF में आते हैं, जहां वो ये सोच रहे होते हैं कि वहां राज्याभिषेक विराट का होने वाला है, लेकिन वो ये भूल गए थे कि वहां किसी और के कदम पड़ चुके थे। रॉकी को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। रॉकी राजेंद्र देसाई की बेटी यानी कि रीना को भी उठवा के KGF में बुला लेता है, जिसे देखकर कमल नाराज होने लगता है और रॉकी से लड़ने लगता है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो चट्टान से लड़ रहा है। इसका नतीजा ये होता है कि रॉकी कमल को मार देता है, और यहाँ से शुरू होती है रॉकी के KGF पर राज की कहानी। रॉकी शुरू से ही KGF के मजदूरों के लिए भगवान था। वो वहाँ काम भी वैसा ही करना शुरू कर देता है, इसकी वजह से उनकी नजरों में रॉकी की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वो बोलते हैं ना, आदमी जितना ऊपर जाता है उसके दुश्मन भी उतने ही बढ़ जाते हैं। रॉकी को हराने के लिए अब सब एक हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए चुनौती ये होती है कि रॉकी को मारने के लिए उसके जितना ही कोई पावरफुल आदमी चाहिए होता है। और यहाँ फिर एंट्री होती है रॉकी के सबसे पावरफुल प्रतिद्वंदी अधीरा की, जिसका किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं। अगर हम अधीरा की बात करें तो KGF की बुनियाद को उसने लोगों के खून से सींचा है, इसलिए लोग उसके नाम से भी कांपते हैं। लेकिन अब उनके साथ उनका मसीहा था। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि वो सब रॉकी को KGF से बाहर निकलने के लिए रीना को इस्तेमाल करते हैं। वो राजेंद्र देसाई को मार देते हैं, जिसकी वजह से रीना KGF से अकेले ही बाहर चली जाती है। रॉकी समझ जाता है कि ये एक चाल है, और वो भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे चला जाता है, जहां धोखे से अधीरा रॉकी को गोली मार देता है। लेकिन वो उसे मारता नहीं है, वो उसे जिंदा छोड़ देता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसका डर लोगों में बना रहे। और होता भी वैसा ही है। रॉकी की ऐसी हालत देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। रॉकी के दुश्मन भी सब यही सोच रहे होते हैं कि वो हार गया है, लेकिन घायल शेर की सांसें उसकी ललकार से भी भयानक होती हैं। उधर गुरु पांडियन की सरकार भी जनरल इलेक्शन में गिर जाती है, और यहीं पर एंट्री होती है फिल्म की दूसरी पावरफुल विलेन की, जिसका नाम रमिका सेन होता है। इसका किरदार रवीना टंडन निभा रही है। रॉकी को अधीरा और रमिका सेन फिजिकली और मेंटली दोनों तरह टक्कर देते हैं, लेकिन वो समझ जाता है कि उसे उन्हें हराने के लिए कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा, इसलिए वो सीधे जाके दुबई में इनायत खलील से मिलता है। रॉकी वहाँ से हथियारों का एक कंसाइनमेंट लेके आता है, जिससे वो सबसे पहले अधीरा को पीछे की ओर धकेलता है। अब उसकी दूसरी परेशानी रमिका सेन होती है, जिससे वो पर्सनली मिलने जाता है और गुरु पांडियन को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के लिए बोलता है। रमिका सेन को मजबूरन उसका ये ऑफर मानना पड़ता है, क्योंकि उसकी पार्टी की फंडिंग भी KGF से ही होती थी। अब टाइम निकलता है और रॉकी समय के साथ साथ और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो KGF को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। रॉकी दूसरों की पहुंच से काफी आगे निकल चुका था, पर फिर भी उसके दुश्मन उसको गिराने की कोशिश करने लगते हैं। उसके गोल्ड के गोडाउन पर CBI रेड करने लगती है उसे कमजोर करने के लिए, लेकिन रॉकी फिर भी चट्टान की तरह खड़ा रहता है। इसी बीच रीना, जो कि रॉकी भाई का लव इंटरेस्ट है, उसे रियलाइज होता है कि वो रॉकी भाई से प्यार करती है। उनकी शादी हो जाती है, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, क्योंकि अधीरा अपनी पूरी ताकत से KGF पर हमला कर देता है। इस बार वो अकेला नहीं होता है, वो रॉकी के हर दुश्मन को अपने साथ लेके आता है। इसी लड़ाई के बीच में रीना को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। रॉकी रीना की वजह से पागल हो जाता है, इसलिए वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अधीरा को मार देता है। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर अधीरा KGF के अंदर आया कैसे, क्योंकि KGF एक किले की तरह था जहां घुसना नामुमकिन था। वहां एक ऐसी सुरंग थी जिसकी जानकारी रॉकी के अलावा एक और इंसान को थी, जो कि इस फिल्म का मेन विलन है, जिसने हमेशा ही चुप रहकर वार किया होता है। एंड्रूस को रॉकी के बारे में बताने वाला भी हो, शेट्टी को इनायत खलील के पास भेजने वाला भी हो, गरुड़ा को अधीरा के खिलाफ और अधीरा को गरुड़ा के खिलाफ भड़काने वाला भी हो, वो कोई और नहीं बल्कि गुरु पांडियन होता है, जिसे रॉकी भाई पार्लियामेंट में रमिका सेन के सामने ठोक देते हैं।
रमिका सेन ये सब देखकर डर जाती है। वो समझ जाती है कि रॉकी कितना बड़ा क्रिमिनल है और उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। रॉकी सभी मजदूरों को केजीएफ छोड़ने के लिए बोलता है क्योंकि उसे पता था कि अब रमिका सेन चुप नहीं बैठेगी। उसने पहले ही सभी मजदूरों के लिए पक्के घर केजीएफ के बाहर बनवा दिए थे, लेकिन ये कहानी शायद 2 साल बाद की है क्योंकि बीच के 2-3 सालों में रॉकी ने क्या किया किसी को तब तक मालूम नहीं होता जब तक अमेरिका और दूसरे कंट्रीज की सीक्रेट एजेंसीज इंडिया से कॉन्टेक्ट नहीं करती। रमिका सेन आर्मी को केजीएफ में डिप्लॉय कर देती है। केजीएफ पूरी तरह तबाह हो जाता है, लेकिन रॉकी वहाँ पकड़ा नहीं जाता है क्योंकि रॉकी अपने पूरे गोल्ड को एक शिप में डाल के इंडियन, अमेरिकन और रशियन नेवी की तरफ बढ़ रहा होता है। वो सुल्तान की तरह उनकी तरफ बढ़ता है। अपनी तरफ शिप को आते देख नेवी उसे वार्निंग देती है। रॉकी ये सब जानबूझकर कर रहा होता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। रमिका सेन के ऑर्डर पर रॉकी की शिप को उड़ा दिया जाता है। रॉकी मारा जाता है। उसने अपनी माँ से किए हुए वादे को पूरा कर दिया था, लेकिन फिल्म यहीं खत्म नहीं होती है। रॉकी को ढूंढते हुए अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी CIA आती है। इसकी फाइल पढ़कर रमिका सेन डर जाती है। आखिर ऐसा क्या राज था जिसकी वजह से रॉकी को दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसीज ढूंढ रही हैं? उसको हमें इस फिल्म में तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन हमें इसमें KGF चैप्टर 3 का ग्लिम्प्स जरूर दे दिया गया है। वैसे तो चैप्टर 2 ने ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी मचा रखी है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इसका चैप्टर 3 आएगा तो वो कैसा परफॉर्म करेगा। खैर वो तो हमें अगले साल पता चल ही जाएगा, जिसका कंफर्मेशन सलार के रिलीज के बाद होगा। वैसे तो प्रशांत नील की KGF के बाद मैं उनकी सलार में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया हूँ, पर फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि KGF चैप्टर 2 का ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।